वालेकुम योम आशूरा हमेशा से ही एक ख़ास दिन रहा है क्यों क्योंकि इस दिन हज़रत आदम सलाम की दुआ कबूल हुई इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर उतरी इसी दिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का मनसब अता हुआ आशूरे के दिन ही हज़रत अलैहिस्सलाम को जेल से रिहाई नसीब हुई इसी दिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बिनाई लौटाई गई इसी दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को दर्जात आलिया नसीब हुए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात भी इसी दिन मिली हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तोबा भी आशूरे के दिन ही कबूल हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फ़िरौन से निजात भी मिली हज़रत ईसा आसमाम को ज़िंदा आसमान पर आशूरे के दिन उठाया गया, हज़रत हुसैन रज़ी अन्हों की शहादत भी इसी दिन वाक़ हुई और क़यामत भी आशूरे को होगी ऐसा किताबों में आता है अल्लाह हम सब की दुआओं को भी इस दिन कबूल फरमाए आफियत के साथ आमीन सुम्मा आमीन इस दिन एक दूसरे को दुआ में ज़रूर याद रखे कुल्लुमत मुस्लिम के लिए दुआ कीजिए अल्ला हाफिज़